Students, I hope you're all fine. The next topic that we are going to discuss today is business email. It's a very easy topic, okay? Business email is simply the email which you use specifically for your business. Normally, your business email address include your company name. Your company name within it's such as your name at companyname.com. This is a sample, and your colleagues will have their email address formatted in the same way. This professional way of sending business email will also serve as a form of advertising, as your business name will be visible with every communication. Each time you send an email, the recipient will be reminded who you are and will immediately know which company you represent, even if they have never met you, which is great news for a small business that is trying to build brand awareness. As a business email, yahi hai, different jo hai businesses jo chalate hain, wo aksar apne jo unke customers wagaira ho, ya agar wo naye customers jo hain attract karna chahte hain, to wo unko business emails bhejte hain, jisme wo jo hai अपनी ब्रांड्स के बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं. लेट सपोज अगर कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, तो वो आपको जो है प्राइसेस बताएंगे. अगर उनका कोई नया वर्जन आया, ठीक है, मोबाइल्स का कोई नया वर्जन आया, तो वो मोबाइल कंपनी आपको जो है अपने उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे. उनकी न्यूज़ लेटर्स आते हैं, ठीक है, ईयरली अचीवमेंट्स के बारे में, या और भी उनसे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हों, तो वो बिजनेस ईमेल उसको बोलते हैं, ठीक है. बिजनेस से रिलेटेड वो आप किसी और कंपनी को भी भेज सकते हैं, वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी भेज सकते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है. अब बिजनेस ईमेल आईडी जो होती है, वो अमूमन जो है वो कंपनी नेम की नाम पे होती है. जैसे कि लेट्स सपोज आपकी ईमेल आईडी है, लेट्स सपोज वो है 123 hamna@gmail.com, ठीक है, तो वहाँ पे तो जीमेल आता है. लेकिन अगर आपकी एक स्पेसिफिक कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी के लिए एक अपना जो है कंपनी का नाम यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है. लेट्स सपोज योर कंपनीज नेम इज़ लेट्स सपोज गुल अहमद, ठीक है, कपड़ों की जो कंपनी है, तो यहाँ पे गुल अहमद का नाम आएगा, या उन्होंने जो भी यहाँ पे एक अपनी कंपनी का नाम वो यूज़ किया हुआ है, तो वो वहाँ पे आएगा. अब उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी जो है जो ईमेल आईडी है, वो इसी एक जो है जो एक उनका होगा ना, ऐड के बाद जो नाम आएगा वो कंपनी का नेम ही होगा. तो जब भी आपको लेट्स सपोज मुझे अगर वो ईमेल आती है, तो मुझे सिर्फ वो एड्रेस से ही पता चल जाएगा कि अच्छा, ये मेल जो है मुझे गुल अहमद की तरफ से आई हुई है. मैं अगर खोलूँ ना खोलूँ, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है. पीपल जनरली ट्राई टू एड्रेस ईमेल्स विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मेकिंग श्योर टू हैव अ क्लियर एंड कंसाइज सब्जेक्ट लाइन दैट मेक्स ईमेल्स इजी टू यूज टू स्पॉट इन द इनबॉक्स एंड पेइंग एटलीस्ट सम अटेंशन टू ग्रामर, स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन. मोस्ट पीपल ट्राई टू अवॉइड मेकिंग एनी काइंड ऑफ कलर कमेंट्स इन कंपनी ईमेल्स, इंक्लूडिंग जोक्स एंड द क्वेश्चनेबल टेस्ट, रेफरेंसेज टू पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, और एनी जॉब्स जैब्स एट देयर एम्प्लॉयर्स, ठीक है. कि जब भी आपकी बिजनेस ईमेल, उसमें आप बहुत प्रोफेशनली राइटिंग करते हो, ठीक है, उसमें कोई जोक्स नहीं होती हैं, उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट, उसमें ग्रामर, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन आपके वर्ड्स की वो सब बिल्कुल प्रॉपर हो, ठीक है, और उसमें कोई भी जोक्स ना यूज़ हों, कोई इमोजीज वगैरह ना यूज़ हों, ठीक है, कोई एक दूसरे उसमें कोई रिलीजन या पॉलिटिकल कोई उसमें रेफरेंस ना हो, ठीक है. इट शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू द बिजनेस, ठीक है. और जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर कोई तंज ना हो, उन पर कोई पन ना हो, देर इज़ नो क्रिटिसिज्म, देर इज़ नो जोक अबाउट दैम. सम पीपल ऑल्सो ट्राई टू अपियर चेयरफुल इन कंपनी ई मेल, सिंस इट्स हार्ड टू डिटर्मिन टोन लुकिंग सोली एट अ रिटन मैसेज, दिस कैन बी डन विद यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स और इमोजी. Although overdoing it might seem unprofessional, generally you will want to follow the lead of others in your organization when it comes to how to draft emails to co-workers or customers. कि जब कभी कभी इस तरह होता है कि different जो है आपका depend करता है कि आपकी किस चीज़ की जो है कमी है, तो कभी कभी होता है कि some emails might have some emotion in it. कि ज़्यादा आपकी ईमेल में आपका इमोशन नज़र नहीं आता, सो सम टाइम यू माइट एड सम एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है, पंक्चुएशन से आप थोड़ी उसमें वो फील ला सकते हो, या डिफरेंट इमोजीज अगर आप यूज़ करो तो उससे जो है आप कोई डिफरेंट उसमें टोन ला सकते हो. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बिल्कुल
स्पेसिफिक हो उसको ओवरडू ना किया जाए, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ना किया जाए. मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन पॉलिसीज अबाउट ई मेल सच एज रिक्वायरिंग दैट अ पर्टिकुलर सिग्नेचर फॉर्मेट बी अपेंडेड टू ईच आउट गोइंग ई मेल. सच वर्क प्लेसेज हैव पॉलिसीज अबाउट वेन इफ एवर कंपनी ई मेल कैन बी यूज फॉर पर्सनल रीजन्स. मैनी ऑल्सो हैव पॉलिसीज ऑन वेन ई मेल शुड बी रिटेन्ड और डिलीटेड फॉर सिक्योरिटी सेक. कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अपनी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं बिजनेस ईमेल से रिलेटेड. ठीक है, कुछ वर्क प्लेसेस में जो है बहुत अलाउ ही नहीं है कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करें. ठीक है, हो सकता है कि अगर आपने पर्सनली अगर कोई पर्सनल अपनी यूज़ के लिए यूज़ करना है ईमेल आईडी को, ठीक है, तो यू माइट बी आस्क्ड टू यूज़ योर ओन पर्सनल ईमेल आईडी नॉट द बिजनेस ईमेल आईडी. फिर देर आर ऑल्सो पॉलिसीज की कौन कौन सी ईमेल रखनी है और कौन सी डिलीट करनी है. ठीक है, तो ये सब जो है वो कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है. अच्छा, ईमेल न्यूज़लेटर्स हैव इंक्रीजिंगली बिकम पॉपुलर इन रीसेंट ईयर्स. सम बिजनेसेस यूज देम टू रीच आउट टू कस्टमर्स एंड लेट देम नो अबाउट सेल्स, न्यू प्रोडक्ट्स और एग्जिस्टिंग सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, अ पूल क्लीनिंग बिजनेस माइट सेंड आउट अ लेटर रिमाइंडिंग पीपल ऑफ इट्स सर्विसेज एज द समर अप्रोचेज, और अ पॉडकास्ट स्टूडियो माइट सेंड आउट ईमेल न्यूज़लेटर्स अनाउंसिंग अ न्यू सीरीज और अ न्यू सीजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग शो. के डिफरेंट जो है ईमेल न्यूज़लेटर्स जो आते हैं, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो अमूमन आपको कस्टमर्स को जो है उनको नई अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन बताते हैं. अगर कोई नई सेल चल रही है, ठीक है, कोई न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या फिर कोई भी अपने बिजनेस से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो ईमेल न्यूज़लेटर्स में भेज देते हैं. ठीक है, और इसमें एग्जांपल दी हुई है कि अक्सर जो है एरियाज में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में पूल्स बहुत होते हैं, स्विमिंग पूल, ठीक है, तो ऑब्वियसली विंटर्स में इट्स नॉट यूज, पीपल यूज इट इन द समर. तो अगर कोई पूल क्लीनिंग बिजनेस है तो दे माइट सेंड न्यूज़लेटर टू पीपल, ठीक है, रिमाइंडिंग दैट दे कैन हेल्प देम क्लीन देयर पूल्स एज अ समर अप्रोचेस. और अ पॉडकास्ट स्टूडियो माइट सेंड आउट ईमेल न्यूज़लेटर्स अनाउंसिंग अ न्यू सीरीज और अ न्यू सीजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग शो. के लेट्स सपोज वो जो है कोई पॉडकास्ट स्टूडियो है या कोई कंपनी है जो मूवीज बनाती है, तो वो भी अपने न्यूज़ लेटर भेज सकते हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन दें कि या तो उनकी कोई न्यू सीरीज आ रही है या कोई न्यू सीजन आ रहा है या फिर कोई एग्जिस्टिंग शो है जिसका न्यू सीजन आ रहा है. ठीक है, आजकल जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है उसके बहुत ज़्यादा सीजन आए, आजकल एक्टोरल ड्रामा जो है वो बड़ा फेमस है तो उसके भी बहुत ज़्यादा सीजन हैं. ठीक है, तो हर नए सीजन पर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. Risk of email fraud. Email fraud, often known as phishing, has become prevalent in recent years. Scammers send emails to people impersonating trusted institutions or even individual co-workers, seeking to trick the recipients into sending email or providing valuable information such as usernames and passwords. In some cases, these emails are sent en masse to a huge number of recipients, but in other cases, they are specifically targeted to particular recipients. Malware is also sometimes distributed by email. Usually through attachments or links to shady sites included in the email messages. In some cases, if the suspect file is opened, it will infect the recipient's computer and use his or her email software to send out more copies of itself to the original recipient's contacts. अच्छा, email fraud जिसको phishing भी बोलते हैं, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा common है. इसकी एक common example ये है कि ईमेल की बजाय अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो बड़े मैसेजेस आते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले, या फिर ये जो आजकल डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें ये नाम दिए जाते हैं, तो उसी किसी भी शो की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा. ठीक है, वो स्कैम मैसेज होता है. ठीक है, या फिर इस तरह कोई आपको मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए कि हम PTCL की तरफ से या टेलीनॉर की तरफ से आपको कॉल कर रहे हैं और आपको जो है इतना इतना इनाम मिला है, तो आप हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम आपको इतने पैसे भेजेंगे. ठीक है, तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्कैमिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ धोखा हो जाता है. लेट सपोज वो आपसे आपका बैंक अकाउंट मांग लें या उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन निकालें तो वो आपके सारे पैसे जो है वो हड़प लेंगे. ठीक है, और भी इसी तरह काफ़ी केसेस वगैरह होते हैं जिसमें आप उनको अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हो और आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है या पैसे जो है वो आपसे ले ली जाती है. ठीक है, धोखे से. उसके अलावा मैलवेयर ऐसे
जो है वो मैं ईमेल्स को कहते हैं जिसमें मैलवेयर हो, मतलब उसमें वायरस हो, और वो वायरस ऐसा होता है कि वो आपके कंप्यूटर को भी ख़राब करेगा या लैपटॉप को या जो है आपके मोबाइल को, अगर आप उसको खोल दें। अगर ना खोलें तो फिर ठीक है, लेकिन अगर खोल दें तो वो आपका कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप भी ख़राब कर देगा, और वो जो है इट विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, वो अपने आप को खुद ही कॉपी पेस्ट करेगा और आपके ईमेल से दूसरे जो आपके जीमेल अकाउंट में या याहू अकाउंट में दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको वो खुद ब खुद वो ईमेल जाना शुरू हो जाएगी। टू अवॉइड फॉलिंग विक्टिम टू ईमेल स्कैम्स, टेक लुक क्लोज लुक एट द एड्रेसेस एंड मैसेजेस कम फ्रॉम एंड मेक श्योर दे एक्चुअली मैच अप विद द पीपल और इंस्टीट्यूशन दे क्लेम टू बी फ्रॉम, चेक दैट एनी लिंक्स ईमेल गो टू द साइट दे क्लेम टू लिंक टू। If you receive an unexpected email with an attachment, check that it's actually from the person it claims to be from, even if you need to call or otherwise message that person to confirm identity. के जब भी आपको ऐसा कोई मैसेज वगैरह आए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेक करें कि जो एड्रेस है वो किसी कंपनी का ही है कि नहीं है, या फिर अगर आपको एक स्पेसिफिक कंपनी से मैसेजेस आते हैं तो क्या ये उसी ईमेल आईडी से आपको जो है ये ईमेल आई है कि नहीं, या फिर अगर मोबाइल में अगर देखा जाए तो अगर लेट सपोज अगर आपको टेलीनॉर की तरफ से मैसेज आता है या जोंग की तरफ से, यूफोन की तरफ से, तो जब भी इनकी तरफ से मैसेजेस आते हैं तो वो हमेशा या तो कोई 4-डिजिट नंबर होता है, ठीक है, या फिर वो उनका अपनी कंपनी का नाम होता है, जैसे टेलीनॉर हेल्प हो गया, जोंग हो गया, वो उसका नाम ही आएगा, वो नंबर नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी मोबाइल नंबर से मैसेज आता है टेलीनॉर की नंबर से कि आपको टेलीनॉर की तरफ से इतना बैलेंस दिया जा रहा है, हमें अपनी ये इन्फॉर्मेशन दे दें, तो आप समझ जाइए कि वो आपके साथ जो है धोखा हो रहा है, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ मैसेज मी एंड आई विल क्लैरिफाई एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।